गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी मदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। भगवान कृष्ण की आप सब पे सदा ही कृपा बनी रहे। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रहा है, हरा हरा। आज मेरा मन था हरा पहनने का। और मेरे लड्डू गोपाल की दर्शन में आपको करवाऊँ, इतनी सुंदर मैंने इनको सजाया है। ये देखो, बताओ आप कैसे लग रहे हैं, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आज इनका जन्मदिन है तो प्लीज आप लोग इनको हैप्पी बर्थडे बोलो भाई, इनको विश कीजिए। अरे कितनी सुंदर लग रहा है एकदम, क्या ही बताया जाए इनके बारे में, गजब। वैसे रोज ही इन्हीं का दिन है, इनके बिना तो एक भी दिन नहीं है। बिना इनके कौन सा दिन है? कोई सा भी दिन नहीं है। लेकिन आज ये जन्म लिए थे, इस तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बस। नहीं तो इन्हीं से तो हर दिन इन्हीं से है, तो हर दिन जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल जी की जय, लड्डू गोपाल जी की जय, जय जय जय। कितने प्यारे लग रहे हैं ना? और मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताइएगा, बिना लिपस्टिक के। चलो बनाती हूँ इनके लिए कढ़ी चावल, भोग लगाती हूँ इनको। लड्डू गोपाल को लग गया भोग, पहले ये दही वही खा ले माखन मिश्री, उसके बाद मैं इनको खिलाऊंगी कढ़ी चावल। कितने सुंदर से लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल को, नजर ना लग। मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ मैं आज उनका भोग। आज उनका बर्थडे है तो बर्थडे में मैं बना रही हूँ कढ़ी। ये चावल डाली हूँ, धो के अच्छे से डाल दी हूँ। और मैंने कढ़ी के लिए बेसन और दही अच्छे से फेंट के उसको मिक्स कर दिया है हल्दी नमक के साथ। और यहाँ मैंने बेसन को बनाया है, इसमें बेकिंग सोडा डाली हूँ थोड़ा सा, और अजवाइन डाली हूँ, नमक डाली हूँ। इसके बरी बनाऊँगी, और आप कहोगे ये हल्दी किस लिए है? इसके छींटे लगाऊँगी घर में। आज थर्सडे है, वैसे हर रोज़ छींटे मैं लगाती हूँ, पर थर्सडे को तो बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। हल्दी हमारे जो धर्म में है, सनातन धर्म में, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको शुभ मानते हैं। तो इसके छींटे अपने घर में ज़रूर आपको लगाने चाहिए, हर स्त्री को लगाने चाहिए। तो मैं इसके छींटे अपने पूरे घर में लगाती हूँ लक्ष्मी नारायण को याद करके। लक्ष्मी नारायण की कृपा होनी चाहिए, हल्दी को शुभ माना जाता है। तो ये शुभ जो है, शुभता हमेशा हमारे घर में बनी रहे, और हमेशा हमारे घर में ये पॉजिटिव वाइब लेके आती रहे। तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं यहाँ करती हूँ द्वार पूजा एवरी डे। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की। ये हो गई हमारी चौखट, और चौखट की पूजा एवरीडे करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं चौखट की पूजा, और यही हल्दी को लगाती हूँ मैं अपने माथे पे, क्योंकि ये ज़रूरी है अपने कलाई पे हल्दी का टीका। और मैं सब बच्चों को भी लगाती हूँ, मैं पहले ये कर लूँ। पियो, इधर खड़े तो हो जा, जल्दी खड़े हो जा भाई, किचन में काम भी है, हो जा। ये देखो, इनको मैं ऐसे ये टीका लगा दूँ। इधर इधर ए, बाल ऊपर कर। जय हो लक्ष्मी नारायण, तुम सब पे सदा अपनी कृपा बनाए रखे। चलिए मैं इसको करती हूँ अब, एंड जा रही हूँ चूल्हा चलाने। ये देखो चढ़ा दूंगी चावल, और इसको करती हूँ स्टार्ट, और यहाँ रखूंगी कढ़ी। बढ़िया कढ़ी और चावल, कढ़ी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है क्या, उसका तड़का, तड़का लगाने का जो प्रोसेस है उस पर वर्क करना चाहिए। तो गाइस देखिए, मैं आ गई अपने किचन में। देखो मेरा कढ़ी चावल बन रहा है,
मैं बनाऊंगी आलू की भुजिया, डायनासोर दिखाऊं, कढ़ी चावल गाइस बड़ी आपको तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और ये बनता एक मिनट बनता बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा टेस्टी। आज मैं दिखाऊंगी आलू का भुजिया, बिहार स्पेशल आलू का भुजिया। बिहार में लोग ज्यादा करके आलू का भुजिया खाना पसंद करते हैं, पराठे आलू का भुजिया, दाल चावल आलू का भुजिया बहुत अच्छे तरीके से बनता है और बहुत अच्छा लगता भी है। आज मैं आपको दिखाऊंगी आलू की भुजिया। गाइस आपने तो गरीबों का खाना पढ़ा होगा कि इनके जो उल्का पिंड ने यानी कि जो भी उल्का पिंड होता है उसने डायनासोर को मार दिया था और आज हमारे पास उसका बच्चा है। देखो गाइस ये आपको कैसा लग रहा है? डायनासोर का बच्चा बेचारी के वैसे डायनासोर का बच्चा लग रहा है ये। हाँ तो इसके पीछे क्या हो गया बताऊड़ी? थोड़ा ये मुझे लग रहा है जैसे कुछ अजीब सा शेप, ये ऐसे देखो ऐसे इसको मछली डॉल्फिन ये सांड की तरह देखो ये कितना अजीब सा लग रहा है, कैसे बन गया ये नेचुरल अपने आप से बन गया ये ऐसा? वे ना बनाए पेन से, ये घोड़ा है टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 और इसको मार देना घोड़े। सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, बोलो घोड़े बोलो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ये आप काट लीजिए, इसकी बलि देना पड़ेगा बलि देना अबे चलो बनाती हूँ फिर मिलती हूँ। मैं इसमें डाल दी हूँ कैसे आलू का भुजिया कैसे बनाना है, इसमें जीरा और मिर्ची डाल दी हूँ, तड़का लगा दी हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये आलू जो पके हुए मैंने काफी बारीक से काटे हैं और मैं इसका बढ़िया सा आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा तैयार होगा, बहुत ही तमीज का बनेगा बस तमीजों की तरह। अब आप कहोगे भाई खाना भी तमीज का होता है, जब खाने का तमीज है तो बनाने का भी तमीज है ना, तो बस बना यहाँ बना रही हूँ मैं। देखो यहाँ चावल उबल रहे हैं और यहाँ कढ़ी उबल रही है जो खूब सुंदर प्यारा सा कलर आया है इसका, और यहाँ भुजिया बन रहा है आलू का। आज यही भोग लगाऊंगी, कढ़ी चावल आलू का भुजिया और पकौड़ भगवान जी के, आज ये इसी का भोग लगाऊंगी उनको, यही खिलाऊंगी। चलो मैं बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आलू तैयार हो गया लगभग ये देखिए। अब इसमें मैं डालूंगी कहते हैं, पहले तो डाल देती हूँ इसमें हल्का सा नमक और उसके बाद पड़ेगी इसमें हरी मिर्च, इसके सिवा कुछ भी नहीं पड़ेगा। बाकी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी की बात है कि आप इसमें क्या क्या डालते हो, पर वैसे डालोगे तब भी चलेगा। चीज़ों को कभी कभी जितना आप सिंपल रखोगे वो चीज़ें उतनी अच्छी बनेगी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस जीरा और सूखी मिर्ची डाल दीजिए, लाल सूखी मिर्ची और नमक और हल्दी, और इसको करारा बढ़िया बनने दीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है पराठे में, तो बहुत ज़्यादा प्यारा खाने में घी के पराठे बनाओ मस्त और आलू के भुजिया के साथ उसको खाओ। ये बिहार का स्पेशल है और बहुत ही फेमस है आलू का भुजिया। बना दी आलू का भुजिया, मस्त वाली करारे करारे भुजिया बनाई हूँ, देखो दिखाती हूँ दिख रहा है ये इतना अच्छा लगता है खाने में क्या बताया जाए, बहुत बढ़िया। इसको बस थोड़ा सा चटक करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बढ़िया लगता लाल होने देना चाहिए, उसके बाद फिर मर्जी आपकी, उसको जिसके साथ खाओ, कढ़ी चावल के साथ तो मस्त और पराठे के साथ। अब यहाँ देखो मैं पकौड़े बना रही हूँ, कढ़ी में डालने के लिए बरी बना रही हूँ, बना लूँ एक बार हाथ कितने चुम, उसके बाद मैं देखूँ मेरा हाथ चुम। देखिए अब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है तड़का लगाने का, तो यहाँ मैं कुछ कड़ी पत्ते सूखी मिर्ची और जीरा इसमें डाल दूँ। देखो मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी, सबसे पहले मैंने इसमें डाला जीरा डाला, फिर मैं इसमें डाली सूखी मिर्ची सूखा मिर्चा, फिर इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ते हर्जा पी वर्जा पड़ जाएगा, फिर इसमें डालूंगी चुटकी भर हींग, ये एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें देगा। अब मैं इसे कढ़ाई में डालने वाली हूँ, मैं इसे पलट दी
क्या गजब का खुशबू, और इसके डैम्पटिंग कलर, कलर देखो बढ़िया सा। हाँ बड़ी तेज खाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी की थाली, आपको दिखाऊंगी। अब अभी जाती हूँ, हाथ पांव धो लूं पहले। हेलो गाइस, देखो मेरा मुंह चमकीला चमकीला लग रहा है क्योंकि आपने मुंह पे ग्लिटर पोत रखा है। गाइस आपको ब्लैक होल देखना है, ये देखो ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, सिर्फ व्हाइट एंड रेड। गाइस देखो ये हमने इनको पहले हाथ में ला दो, जय हो लड्डू गोपाल, आप भोग पाओ, मैंने बड़े मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। आप खाओ और हमारे व्यूअर को भी खाना बन के पूरा फिनिश कर लीजिएगा, पूरा का पूरा खाना। दूल्हा बाबू बने हुए हैं लड्डू गोपाल जी मेरे, प्यारे प्यारे बाबू हैं, प्यारे प्यारे बाबू। राधे राधे बोलिए आप सब लोग ताकि कान्हा जी मेरे खुश होके खाएं। उनको भोग लगा के मैं थोड़ा अस्थिर होकर बैठती हूँ, थोड़ी देर बाद प्रसाद पाऊंगी और आपको भी खिलाऊंगी। और मैं आपको खिलाती हूँ वैष्णो माँ का प्रसाद, ये गाय देखिए वैष्णो माता जी का प्रसाद है। तो जय माता दी बोलते हुए माता के चरणों में प्रणाम। ये काली किशमिश के बीज हैं, ये नहीं खाते हैं। चलो प्रसाद पाती हूँ और आइए, आपका भी स्वागत है, खाइए प्रसाद वैष्णो माँ का। ये मैं जय माता दी, सारे बोलो जय माता। थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, नींद आ गया था बहुत तेज। देखो मेरी बेटी क्या बता रही है, क्या था बता ना, क्या फनी फनी बता नहीं रही थी। मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, फनु फनु बनाता। माही आपको एक सॉन्ग सुनाएगा, माही सुनाइयो, माही क्या सुनाइयो सॉन्ग जल्दी। मेरी बात मान, लड़की तेरी मौज करा दूंगा, फैन बेला दूंगा, नहा धोके तो खूब रही हो, तेरी मौज करा दूंगा। यह देख के बोलते हैं कि वैसे बोलते हैं। हाँ हाँ क्या क्या फिर से बोलिए। मेरे साथ आधा लड़की तेरी मौज करा दूंगा, नहा फैन बेला दूंगा, नहा धोके तो खूब रही हो, तेरी मौज करा दूंगा। फेरन लबड़ी लगा, फैन बोला, फैन फैन, जब तू फेरन लबड़ी लगा बेलू तू, जब फेरन लबड़ी, ए देखो फेरम लबड़ी क्रीम पीयू जब जन्म ली थी तो बहुत काली थी, इन्होंने फेरन लबड़ी खूब लगाया, गोरी हो गई, फेरन लबड़ी लबड़ी। पीयू ऐसे कर रही पाउट, मुंह बना ना ऐसे पाउट कैसे करते पाउट करते अरे पाउट करना तो थोड़ा आगे किया जाता है, अब अजीब नहीं क्या कर रही है, अब दिखा सकते हो। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है, घर वाले बोलते हैं भाई नाक में घुसा लिया उड़ी है, उसी को मुंह पे लगा रही है कि लिपिस के कूट सकता, वैसे मैं भी कूट सकती थी। तो अगर इसको फोड़ना हो पीछे से निकल जाए पर एक फूटेगा नहीं, ठीक है। तो तुमको पीछे से निकालना, बिछौना बिछौना को बटन उठा के कर ले, पीछे से निकल जाएगा। एक समय पे फेरे लवली के साथ जितना अत्याचार हुआ था उतना मेरे साथ हो रहा है, पूरा बालों पे साथ हो रहा है, देख ले आ मर गई गुद्दी बच्ची। आई देख लो गाइस, आ ये देख लो इंस्टेंट ग्लो, एचडी ग्लो, फलाना ग्लो, ढिमकाना ग्लो करते 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 ग्लो, वो पन्ना ग्लो, राजेश खन्ना ग्लो।
में गन्ना ब्लो। तो ग्लो ग्लो के चक्कर में जितना मीम बना इसका फेयर एंड लवली का, इतना मीम किसी का नहीं बना होगा। क्या करिए, क्या करी पी बोलो। देखिए देखिए यहाँ, ए बाबा पूरे घर में बेसन फैल रहा है, पागल नीचे भी आइए क्या, पकौड़ा छानेगा तू? अरे मैया मेरी, सही भाई ये तू अति कर दिया। ये देख लो, इनको अपने फेस को गोरा करना है। अब ये देख ले, गोरा के चक्कर में पूरे घर को पीला बना रखा है कमीना। फेरन लबड़ी लगाएगा तू ऐसे ही? अब भाई तुझे मैं बता रही हूँ, सच्ची बहुत कलेश मचाते हो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। पूरा घर को पीला पीला किए हुए मुंह में, पर तू पीला पोत ले और या फिर वही है। लग रहा है सबसे घर में हक दिया है या वहाँ टपक रहा है। सही कह रही हूँ, देख गोदरेज के पास भी टपका रखी हुई है, देखो चादर पे दाग भी लगा दिए। क्या है ये इसका, ये क्या रायता मचा रखे है, क्या हो रहा है? पियो दिखाइयो प्लेट, रे प्लेट दिखाइयो, प्लेट प्लेट दिखा। ओए मुस्कान की चमकान तो देख लो ए भाई, कुछ और लग रहा है बनाने का। क्या रे इतना, अरे भाई इतना दिमाग नहीं रे हम पे तो है ही ना सही, हाँ हमें लग रहा है दिमाग नहीं है हम पे तो भाई ना गाइस खा लो, कुछ मेरे वो बम का निकला हुआ है। मार इसको, ये कितना गंदा चीज है चीची, है ना मैं। अरे भाई ये दही में किस में होता है गाइस, आप कमेंट करके मुझे बताना। दही बेसन और हल्दी शायद, या दूध में। इसको पानी में भी ना करनी के भर प्लेट किया करेगा, पूरा देह में पोतेगा। अबे तू एशियन पेंट करवा ले ज्यादा सा, आप भी तो ना। ओ गाइस इस व्लॉग के बाद मैं आपको नहीं दिखूंगा घर में, तो कोई नहीं, ये लास्ट में है, तो कमेंट कर लेता हूं। मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम। लग रहा है वो लगा के, तो ये बेचारी हनुमान चालीसा शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की, ताकि बेचारी को डर ना लगे। भूतिया माही बन गया है भाई। मेरे घर में एक एलियन आ गई है, जो कि अभी ट्रांसफॉर्म हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है पूरी तरीके से। उसको मैं वापस भेज देता हूँ अभी इसके धरती, इसका गोला पे इसको भेज देते हैं हम। कौन गोला से आया है? नहीं नहीं इसको अभी देखे ना, गोले भेजते हैं अभी हम। ओम 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 टू 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 ओम 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 ओम। मुझे ए लड़की है आंखों से, तो मुझे आशा है कि इसके गोला वाले जल्दी आ जाएंगे इसको उठा कर ले जाने, क्योंकि इस कूड़े को हम रखा नहीं चाहते अपने घर। मम्मी भी बना देंगे हम दूसरे गोले का, और हम तो है ही दूसरे गोले का प्राणी। और यार तो सूख कैसा लग रहा, पुट्टी हो गई। मैं अपना चेहरे पे अगर ईंट मारूंगा ना तो ईंट टूट जाएगी, इतना प्लास्टर जैसा लग रहा है। आंखें बंद कर प्लीज, आंखें बंद कर बेटा, आपको मैं चला जाएगा ना, चलन जल्दी है ना को। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, हल्दी कले। जो हम लोग है एक एलियन, तो मैं एक अलग ग्रह से आई हूँ, और ये अभी ट्रांसफरेंस हो रही है। यहाँ पे तो पहले एक प्राणी है बैठा हुआ जो फोन चला रहे हैं। अब मेरा भी समय आ गया है कुछ करने का, टाइम पास तो करना होगा। एलियन के पास का काम है बस घूमना, खाना पीना, हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ मैं आज जो बना हूँ उनका लंगोटा, हम सब लंगोटे बनाए। मुझे भी लगाना पड़ा, और ये बोल नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट है, तो मुझे बोलने में थोड़ा सा अजीब हो रहा है। देखो इनको भी माँ बेटी दोनों बने हुए हैं, चलते हैं, जा रहे हैं, धोने सूख गया। गाइस हमारे साथ आप चाय पीजिए, चाय पे है आपका स्वागत। बेटा फिर देख लो ये चाय तो रो कभी नसीब होगी, इनको देख लो, भग जाए यहाँ से, भग जाए यहाँ से।
क्या है इन सब का, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं हमारे बच्चे भाई। किस किस के बच्चे इस तरह से झगड़ा करते हैं जरा मुझे कमेंट करके बताइए। जब मैं इसको बोलना तो वहीं पे को मारने आ रही है। सिर पे क्यों नहीं मारे, क्या क्या बोलता है तू, ऐसे चुगोरी सिर पे क्यों नहीं। चलो लड़ ले भाई लड़, अब देख लो सच्ची पीट देंगे हम। ये हमेशा हमारे घर में 24 आवर चालू ही रहता है। देख लो सच्ची, अब क्या देख लो। अरे लड़का तू क्या है रे, तू उससे पिहुआ कुछ ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब ये अबे रुक जा, ये तो होना ही था, बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा। मैं लतियाओं की दोनों को समझ लेना, सच्ची बता रही हूँ, मैं मारूंगी मैं दोनों को। हे गाइस, मैं लड्डू गोपाल को सजा उजा करके आ गई। ये देखो कितने प्यारे प्यारे से है। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्याम मेरा गोपाल, मेरे मोहन, मेरे सोनम, मुने की तू प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। घंघराले घंघराले लट पे तो मरी जाए कोई। तभी तो राधा मरी जाती है, राधा रानी है इनकी दीवानी। और ये हैं श्याम छलिया, ये छलिया है, छलिया सोच समझ के सौदा की जो। ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी, ये बहुत बड़ा व्यापारी है भाई, सब कुछ ले लेते हैं, पूरे दिल दिमाग पर इनका कब्जा हो जाता है जब कोई इनसे प्रीत लगाता है। तो हमारे तो दिल दिमाग पे इनका कब्जा हो चुका है, अब क्या करूँ, प्रीत ऐसी चीज है, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार हो गया इनसे। तो अब क्या ही बताया जाए इनके बारे में। ये देखो अब चलो मंदिर में इनको स्थापित करो, गुब्बारे गुब्बारे लगाओ। इसमें तैयार कर दी भगवान को। अरे ये देखो मेरी राधा रानी भी तैयार हो चुकी है। दिखाना चूड़िया, दिखाना। ओहो दादी ने दिलाया था बैंगल से चूड़ी। अब इसको सजा दो, परेशान कर रखी है मम्मी मुझे राधा बनाओ, मम्मी मुझे राधा बनाओ। यहाँ देखो विराजमान है मेरे सोना बाबू। अब मैं इनके लिए जा रही हूँ भोग तैयार करने, मैं दिखाऊंगी अपनी थाली। देखो इनका राधा रानी का रूप देखो। हाँ पर लगाने चाहिए। कुकड़ू नहीं रहते वो, कुकड़ू कहाँ है, कुकड़ू दांत कैसा होता है। अच्छा है गाइस, देखिए मैं बोली थी आपको कि मैं थाली सजाऊंगी लड्डू गोपाल का, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मैंने धीरे धीरे करके सारी तैयारियां कर रखी है और अब सजाने का काम कर रही है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। देखिए मेरी हो चुकी थाली प्रॉपर तरीके से रेडी लड्डू गोपाल के भोग के लिए, ये एकदम हो चुकी है तैयार। अब बस मैं इसमें डालने वाली हूँ तुलसी के पत्ते, तो ले चलती हूँ उनके पास। और ये हो गया, एक मिनट हो गया। यहाँ है माखन, ये है पंजीरी, ये है चूरमा, ये है दही, ये है खीर, ये है रसमलाई, ये है फल, और ये है छेना, ये है रसगुल्ले, ये है लड्डू। क्योंकि लड्डू गोपाल को तो बिना लड्डू का तो इनका होने वाला नहीं है। अब इसमें तुलसी के पत्ते, अगर तुलसी नहीं दूंगी तब तो ये छुएंगे भी नहीं। अरे कितने सुंदर लग रहे हैं, गजब लग रहे हैं, गजब। गाइस मैं अपने ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इवन 1:30 बज गया था, 12 बजे तो मैंने आरती वारती ही करा भगवान का, और बहुत रात होने की वजह से मैं ब्लॉग की एंडिंग अभी सुबह कर रही हूँ। तो आप इंजॉय किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हाँ ठाकुर जी का जन्म किया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।